हेडलाइंस। कश्मीर के शुपियन में हिफाजती अमलों और जमजुओं के दरमियान झड़प, आखिरी इतलात मिलने तक झड़प थी जारी, किस तरह के नुकसान की कोई इतला नहीं। आरसपुर में सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू, मुकामी लोगों ने बीडीसी चेयरमैन का किया शुक्रिया अदा। प्रदेश कांग्रेस की जानिब से जम्मू में दस्तखती मुहिम का किया गया आगाज, जम्मू कश्मीर के सदर जे अमीर की कयादत में मुनक्कदा मुहिम के दौरान हजारों लोगों ने दस्तखत करके कांग्रेस पार्टी का साथ देने का किया ऐलान। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी रजनी पाटिल ने आवाम को कांग्रेस में शामिल होकर अच्छी हुकूमत तश्कील देने की अपील। पीएचई एम्प्लाइज यूनाइटेड फ्रंट का एहतजाज 46वें रोज भी रहा जारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से वफद मुलाकाती होने का किया ऐलान, कहा उम्मीद है कि गवर्नर उनके मुतालबात पूरे करने में अहम रोल करेंगे अदा। चंद्र मोहन गुप्ता की कयादत में जम्मू की वार्ड नंबर 33 में ओपन जिम का किया गया इफ्तिताह, मुकामी लोगों ने किया शुक्रिया अदा। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के तहरीरी इम्तिहान का किया गया इनेकाद, सैकड़ों तलबात ने इम्तिहानों में लिया हिस्सा। विश्व हिंदू परिषद के रियासती सदर लीला करण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत, कहा महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार किया जाए। पुंछ में भी पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहान मुनक्कद, इंतजामिया की जानिब से कायम 30 इम्तिहानी मराकज पर 7800 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में लिया हिस्सा। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ, इजाफी जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और दीगर ऑफिसरान ने मराकज का दौरा करके लिया जायजा। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने की पुंछ आज से बात, इम्तिहानी मराकज पर किए गए इंतजाम के हवाले से दी अहम मालूमात। जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, केरनी सेक्टर में भारी असला बरामद, पुलिस हेडक्वार्टर पर आज बरामद शुदा असलाह की गई नुमाइश। एसएसपी पुंछ ने पुंछ आज के साथ की बात, बरामद शुदा असलाह के हवाले से दी अहम मालूमात। जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ के जेर एहतमाम लीगल सर्विस डे पर की गई तकरीब मुनक्कद, जज साहिबान और वकला ने की शिरकत, आज के दिन पर डाली गई रोशनी। पुंछ की हद मुतारका पर आज भी हिंदो पाक अफवाज में गोलाबारी का तबादला, आज भी कई लोगों पर छाया रहा खौफ और हिरास। नूना बांडी के वहीद अहमद गिरने से सर में चोट लगी, जिला अस्पताल पुंछ में किए गए दाखिल, इलाज मुआलजा है जारी।